त्रिवासग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं हरे राधा कृष्णपादान् सहगणललिता हरे विशाखान्वितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञा प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानंच पालिने जीवदुखे सदात्राय हरि नाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने हरिभार्षभान विदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंत हारिणी नाम गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंभर सांबधे पादंबुजाय ते नम नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नम वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावनाला सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वारी द कृपा वारी दाने बंद से गुरु शरण कमल नित गीत वाज श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांच कंपाशु हाय गौर प्रेमी बंद से गुरु चरण कमल सदा रतजिने विग्रह सेवने श्रृंगारदिया मंदिर मार्जने करे ननिजुत अनुगत जने बंदी से गुरु चरण कमल।
सर्वचो सलेला प्यारा समय प्रसादार्ण कृष्ण अति स्वादो है भक्त आस्वादने निज तृप्त रहे वंदित गुरु शरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लोकदर्शित जिनी हन प्रतीक्षणे वंदित गुरु चरण कमल ब्रज जुब द्वंद रति संवर्धने युक्ति कर सखी सन वृंदावने अति रक्षक प्रियतम गणे वंदित गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाये श्री हरि स्वरूप भक्त जन हवे से अनुरूप किंतु जिने प्रभु प्रियतम रूप वंदित गुरु चरण कमल सहर प्रसाद कृष्ण कृपा परे जर प्रसाद अन्य गति नहीं त्रिसंध कीर्तिरा सब ध्यानी भाई वंदित गुरु चरण अति जतन करी ब्राह्मणते परे उच्च करी वृंदावननाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु वंदे से गुरु चरण शक्ति धारी तमाम
काफी दे देता चुड़ाय निताई पाद का मल कोटि चंद तो ये छाया जगत जोड़ाय ताई बीने भाई राधा कृष्ण पाई सेना दृढ़ करी धरनी
का जन्म गेला नई पशु बड़ दुरातार विद्या कुले की करिबे तार अहंकार माताया पिता पद करे सच करे मानी मितायर करुणा वे ब्रज राधा कृष्ण पावे ताए चरण दो ధర లలిత్ ధర I love her.
सहस्र तीर्थांजलि वैष्णवनी काटे त्रेन करी दरा इवनी सपाटे कंदिया जना इव दुख ग्राम अमलागी कृष्ण आवे दिवन प्रचोर वैष्णवेर आवे दने कृष्ण दया आवे न सदाया देरनी वेदना वैष्णव चारणी कारी संगला चने कवित्रि चैतन्य मोरे करिवे न गाया तबे आमी पाए वैष्णव पद छाया जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर Yeah.
बने राधा कृष्ण चरण रविंद अज्ञान कर्म परि हरि रे राधा कृष्ण चरण भज ज्ञान कर्म परि हरि रे भज गौर गदा धरा द्वैत गुरु नित्यन गौर कृष्ण अभे जन रे गुरु कृष्ण प्रिया जन रे श्रीनिवास हरि दास मुरारि मुकुन्द गौर प्रेम परा मरारे श्रीनिवास हरिदासे गौर कृष्ण प्रिय रे रघुनाथ गोंद जदि भजन करबे रे सनातन जीव जदि भज करबे रे प्रेम जदि जाओ रे आनंद स्मर कृष्ण प्रेम जदि जाओ रे Thank you.
सेन सेवानंद आजात्म स्मरा स्मरा रे कर्णपुरा आजा स्मरा स्मरा रे वसित कर्णपुरा भजन आनंद जनानंद ब्रजवाज दी चाओ रे जय राधे जय माधव दैते जय राधे गौ बेते हरिन फोट वृंदा बीपने से मानी
भानु दाधे नव सचिले के ललिता सके गुना रमिता विसाके हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरां दश ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णु पादष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णु पादष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री नारद जी ने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की लेकिन करने पर भी उनको मन में शांति नहीं मिली। जब नहीं मिली तब भगवत इच्छा से श्री नारद जी आते हैं और नारद जी उनको बताते हैं तुमको आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली। आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब किसी आत्मा को सुख दोगे तभी अपना आत्मा को शांति मिलेगी। कहते हैं ना दूसरों को सुख दो तभी तो जीवन में हमें भी सुख मिलेगा। भले तुमने जीवन किसको सुख नहीं दिया इसलिए तुमने जो धर्म विवेचना किया है तुमने ये शरीर और मन का धर्म को तुमने बताया लेकिन ये आत्मा को धर्म को विषय में तुमने बताया नहीं। और आत्मा धर्म क्या है? भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना और उनकी सुंदर सुंदर लीला कथाओं को श्रवण करो। उनकी कथा श्रवण करोगे तो ये आत्मा की ये खुराक है। जैसे एक पिंजरा है, पिंजरा में तोता रहता है लेकिन अगर तोते को खाना नहीं खिलाओगे दिन भर पिंजरा को अगर पेंटिंग करोगे तोता जिंदा रहेगा? वो तोता मरी जाएगी। इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये शरीर को खिलाओ, शरीर को जिम में ले जाओ, शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, शरीर को चवनप्राश खिलाओ, शरीर को रोटी खिलाओ। केवल हम शरीर को खिला रहे हैं लेकिन आत्मा का जो असली आहार क्या है? वो भगवान की परमात्मा की कथा, उनकी सेवा, उनकी भक्ति। इसलिए जब तक वह सब नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करो तुम भगवान की विशेष करके ठाकुर जी की मधुर मधुर मीठी मीठी प्यारी प्यारी ठाकुर जी की कथा सुना। बस ठाकुर जी कथा सुनेंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए कल हम लोगों ने इस बात सुने थे भले ही टूटी फूटी बात क्यों नहीं हो अगर उसमें ठाकुर जी की कथा हो। संत लोग कैसे हैं? राजहंस है। जैसे राजहंस मानस सरोवर के कमल के मधु को पान करते हैं ये भगवान के मधु पान करने वाले ये कौए नहीं। कौए क्या करते हैं? जहाँ पर झूठन पुठन पड़ा रहता है ना अब देखना कौआ उसको ही तीर्थ मानते हैं। कौआ की वही तीर्थ स्थान है। इसका मतलब है जो भगवान की भक्ति नहीं करके दिन भर केवल ये दुनिया की बात में स्त्री पुत्र परिवार केवल इसी कोई बात में दिन भर
उसमें डूबे रहते हैं, कहते हो कौआ तीर्थ है। इसलिए एक श्लोक लिख लो, तद बाग विसर्ग जनता, ये केवल इतना इतना लिख लो, फिर मैं बाद में ये श्लोक को मैं बता दूंगा। हाँ, भागवत का है इसलिए। तो उसमें बताए, श्रृणंती गायंती घृणंती साधवा, कहते जो साधु लोग हैं वो किस में प्रसन्न होते हैं, बोले भगवान की कथा को सुन करके, भगवान की कथा को गान करके, भगवान को कथा को बोल करके भक्त लोग साधु लोग इसी में ही रमे रहते। इसलोक तुमको बाद में बता दूंगा, भले ही जितने बढ़िया बढ़िया उसमें शब्द क्यों नहीं हो, अगर ठाकुर जी की बात नहीं तो उसमें उनका आनंद नहीं मिलता। ये श्लोक में बताइए श्लोक को है? नहीं, तद बाग विसर्गो, इसको बाद में लिखा दूंगा श्लोक को। हाँ, और एक श्लोक लिख लो, नैष्कर्म अपि अचूत भाव वर्जित न शोभते। हाँ, इसमें कह रहे हैं अगर ऐसे कोई कर्म कर रहे हो जिसमें निष्काम होकर के कर्म कर रहे हो, जो कर्म को कहते ना निष्काम होकर कर्म करो, लेकिन अगर निष्काम कर्म होकर कर्म कर रहे हो, लेकिन अगर उसका उद्देश्य ठाकुर को सेवा नहीं हो ना, फिर तो शोभा नहीं देता है, हैं? लेकिन अगर किसका उद्देश्य अगर ठाकुर जी की सेवा हो तभी वो चीज को सार्थकता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचार। बोले हे अर्जुन, अगर भगवान को छोड़ करके कोई कर्म कर रहे हो जिसमें भगवान की उद्देश्य नहीं है, हैं, जिसमें ठाकुर जी का कोई उद्देश्य नहीं, कहते उसको द्वारा क्या होगा, बोले कर्म बंधन होगा। भले ही वो निष्काम कर्म क्यों नहीं करो, हैं, वो भले ही वो निष्काम क्यों कर्म नहीं करे, लेकिन अगर उसमें भगवान को उद्देश्य नहीं करता है, कहते वो कर्म का बंधन ही प्राप्त है। इसलिए जो कुछ करो किसके लिए करो, पैसा कमाओ, किसके लिए पैसा कमा रहे हो, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी के बगैर ठाकुर का सेवा ही नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी की सेवा के लिए लक्ष्मी कमा रहे। रसोई बना रहे हो क्यों, ठाकुर जी का सेवा लगेगा। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, ठाकुर जी का मंदिर में। स्नान करते हो क्यों, सवेरे सवेरे नहा धो करके आए ना, चार बजे उठ गए होगे, इसलिए उठ करके क्यों नहा रहे हो, मंदिर में जाएंगे ठाकुर जी का आर्ग दर्शन करेंगे। कपड़ा क्यों पहन रहे हो, बढ़िया कपड़ा पहन करके ठाकुर के आरती में जाएंगे, हैं? इसलिए कहते भक्तों का जो शौच क्रिया, उनका जो दांत जो मार्जन करते हो, कहते ये सब इनका सेवा है। भक्त जो कुछ करते हैं, इनका टाटी पेशाब जाना भी ठाकुर का सेवा। बोले क्यों, बोले शरीर पवित्र नहीं होगा तो ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हर चीज भक्तों का सेवा ही है। इसलिए कहते अगर निष्कर्म भाव हो, निष्काम हो, लेकिन भगवान की उद्देश्य में नहीं हो तो वो बंधन का कारण है। इसलिए जो कुछ कर किसके लिए करो, भगवान की भक्ति के लिए। देखो और एक श्लोक को ये करो, बोले त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुज हरे, ये श्लोक को इतना ही लिखो, बाद में लिखा दूंगा। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भोज हरे भजन अपकोपत्ततोपत्तेत यदि जत्र को वा अभद्र अमुदमस्य किं को वार्थ आप्त भजताम स्वधर्मत। इसलिए कहते हैं, हैं? इसलिए अगर वर्णाश्रम धर्म को आप सही सही रूप में जाजन कर रहे हो, अपना वर्ण अपना आश्रम धर्म को अगर आप सही सही रूप में जाजन कर रहे हो, लेकिन हैं, बोले त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुज हरे भजन अपक्व तत्वपते यदि, वर्णाश्रम धर्म को जाजन करने पर भी, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हो सो बेकार है। लेकिन अगर प्रभु का भक्ति कर रहे हो, भजन करते करते ज्यादा भजन नहीं कर पाए, थोड़ी सी आपने भजन किया है, लेकिन करते करते बीच में आपका पतन हो गया, किसी कारण से भजन से आप गिर पड़े, भजन से चुत्त हो गए, बोले कोई तुम्हारे नुकसान नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन कहते जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम पंच दिनानि च, अगर केवल पांच दिन ही अगर ये श्लोकों को याद कर सकते कर लेना, जीवितम विष्णु भक्तस्य, केवल इतना लिख लो,
बाद में लिख लेना। अगर भगवान की भक्त बन करके अगर 5 दिन भी रहे, बोले वही तुम्हारी सार्थकता। लेकिन भगवान की भक्ति हो करके बोले अनंत करोड़ काल अगर जिंदा रहे, जीवितम विष्णु भक्त से वरम पंच बना दिच, विष्णु भक्ति विहीना स क्या, जीवितम विष्णु भक्त से वरम पंच दिना निच न तो कल्प सहस्राणी भक्तिहीनस्य केशवे। भगवान से भक्तिहीन होकर के एक कल्प तक अगर वास क्यों नहीं करे, करोड़ों करोड़ों साल तक अगर क्यों वास नहीं करे, उसको बेकार है। लेकिन जितना दिन अगर हम जिंदा रहे, अगर 5 दिन भी ठाकुर जी का भक्ति करते हुए अगर जिंदा रहे, तो वही समय तुम्हारी सार्थकता। जैसे मंगल आरती में आ रहे हो, कितना कष्ट करके आ रहे हो हमें पता है। जब हमें रिजाई निकालना पड़ता है ना, थर्ड अक्सर देखना जो नींद है ना, सबसे ज़्यादा कब आता है, सवेरे आता है, सवेरे आता है ना। लेकिन उसी समय फिर रजाई को, हाँ रजाई को अलग करके फिर ठंडा पानी में, नहीं तो थोड़ा गर्म पानी में नहा करके, कितना कष्ट होगा आप लोगों को पता होगा, पता नहीं कि नहीं, हाँ। इसलिए फिर तिलक करके आते हो। देखो ये सब जितने सब चीज़ है ना, ठाकुर सब मार्क कर रहे हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बात कह रहे हैं, ये स्वयं कहते हैं, जब कोई एक भक्त भजन करते हुए जब गोलोक वृंदावन पहुँचता है, ठाकुर जी एक एक चीज को याद दिलाते हैं। बोले देखो ये मत समझो मैं कुछ देख नहीं रहा था, मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर सब देख रहा था। कृष्ण कहते हैं तू मेरे लिए कितने त्याग दे रहा था, कितने कष्ट कर रहा था, सारे चीज को मैं पीछे खड़े होकर देख रहा था। जैसे आप किसी शादी विवाह में गए, सब प्याज लहसुन से सब बना हुआ, लेकिन भक्त लोग क्या करते, प्याज लहसुन खाते ही नहीं, दही भले खाकर पेट भर देते हैं। ठाकुर जी कहते मैं देख रहा था सब लोग मस्ती ले रहे, प्याज लहसुन खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पता नहीं क्या हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे भक्त क्या करता है, मेरे लिए मेरे प्रीति के लिए वो चीज़ को ग्रहण नहीं करता है। किसी तरह से दही भल्ले बाज इसमें प्याज लहसुन नहीं, उसको खा करके अपना पेट भर लेता है। किस लिए, मेरे लिए। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर सब चीज़ को देख रहा था, तो मेरे लिए कितने त्याग दिया, तभी तो एक दिन तू मेरे पास में आए। ठाकुर कहते हैं तभी तो एक दिन तू मेरे पास में आए हो ना, ठाकुर स्वयं कहते हैं। इसलिए आप लोग जो मंगला आरती में आ रहे हो, इतने कष्ट करके कथा सुन रहे हो, कथा में तो आनंद है, इसलिए कष्ट करके हाँ जो कुछ कर रहे हो ना, ठाकुर जी के पास में नोट हो रहा है। जब ऊपर जाओगे ना, जब चित्रगुप्त कापी खोलेगा, सब निकलेगा एक एक करके, हाँ आपने कथा सुनी है, भगवान के नाम जप किया है, ठाकुर जी का आरती दर्शन किया है, ठाकुर जी सब एक एक कर सब निकलेगा। और इसको ब्याज समेत मिलेगा, इतना नहीं, ये ब्याज समेत एक यहाँ पर यही कह रहे हैं। बोले यहाँ पर कहते हैं त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुज हरे भजन अपक्व तत्पतेत यदि, भजन करते करते अभी तुम्हारी भजन के सिद्धि नहीं हुई, लेकिन बीच से तुम गिर गए, बोले कोई हानि नहीं, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगा, तुमको अगली जीवन में ब्याज समेत मिलेगी, ये सब के सब मिलेगी हैं। लेकिन एक चीज में ध्यान रखनी चाहिए, किसी गुरु वैष्णव के चरण में हमारी अपराध नहीं होनी चाहिए, केवल इतना ही चीज को हमें केवल ध्यान में रखते हुए चलनी चाहिए। किसी गुरु वैष्णव के चरण में हमारी अवज्ञा कोई हमारी अपराध नहीं हो जाए, फिर उससे क्या होता है, भजन से धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाते हैं। केवल इतना चीज को ध्यान रखते हुए सारे काम करने चाहिए। इसलिए मैंने इसके लिए एक सुंदर कथा रामायण का कथा सुनाता हूँ, ये कथा को आप लोग, ये वाल्मीकि भगवान कथा की क्या महिमा है, मैं बहुत बार सुनाया और एक बार सुना देता हूँ, क्योंकि ये श्लोक को मैंने उद्धृत करते हुए बोलता हूँ। बात जो वो भी कथा सुनाता हूँ, जैसे बोलता हूँ ना, जैसे कार्तिक का महीना था, एक चूहा ने तेल खाने के लोभ से गया और धीरे धीरे दिया बुझते जा रही थी, लेकिन जब चूहा तेल खा रहा था, इतने में उसका मुंह में बत्ती लग गई, आग लग गई तो पीछे हटा, हटते ही उसको दांत में लग गई बत्ती, और वो दिया जो बुझने जा रही थी दिया हो गया तेज, और उसको मुंह में थोड़ी आग लग गई, 2-4 बार छलांग लगा दिया। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, देखो कितने दयालु ठाकुर जी, बोलो कार्तिक का महीना में दिया बुझने जा रही थी, चूहा ने क्या किया, दिया को तेज कर दिया, मतलब कार्तिक महीना में मेरे को उसने दिया जलाया, दिया दिखाया, और 2-4 बार छलांग लगा दी, मतलब क्या है, मेरे को आरती उतारते हुए मेरे सामने नृत्य किया।
ठाकुर कितने दयालु कितने कृपालु है, उसका फल क्या हुआ, वो अगली जीवन में राजकुमारी बन करके जन्म हुई। फिर भगवान की भक्ति करते करते ठाकुर जी अपना धाम में स्थान दिया। अगर एक चूहे को इतना स्थान दे सकते हैं, फिर इसका मतलब जो भक्ति जो हम कर रहे हैं ये भक्ति कभी नष्ट नहीं जाएगी, ये भक्ति हर समय भक्ति बढ़ते रहेगी। और जो दूसरा कथा सुनाता हूँ, जैसे कौन सा, सत्यवती और सुमति, सत्यवती और सुमति, ये कथा याद है ना। हाँ, इन लोगों ने, ये सत्यवती और सुमति राजा और रानी थे, लेकिन ये अष्टजाम क्या करते थे, अष्टजाम, ये सब स्टोरी को थोड़ा सा लिख लो, कहीं अगर कथा सुनाओगे ना, देखो इन लोगों ने कैसे प्रभु की थोड़ी सी भक्ति किया तो कितना लाभ हुआ है, इसलिए कैसे वो अष्टजाम कैसे ठाकुर को सेवा करते थे। हैं, अष्टजाम समझ रहे हो, पूरा 24 घंटा को 8 भाग में विभक्त किया गया है, इसे अष्टजाम कहते हैं। अपना हाथों से ठाकुर का सेवा पूजा स्वयं करते थे, समय मिले तो भगवान का नाम जप करते थे, ज्यादा समय मिले तो राजा बैठ करके रामायण पढ़ता था और रानी बैठ करके कथा सुनती थी। ठाकुर को सेवा अपना हाथों से राम दरबार था सेवा करते थे। एक समय एक विभांड ऋषि जब इनकी भक्ति की निष्ठा देखा आश्चर्य में पड़ गए, बोले कहाँ देश का राजा रानी हैं, हमारे पास में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, अगर ठाकुर जी अगर स्थापना कर दिया तो एक नौकर को लगा देंगे तू सेवा कर, लेकिन खुद सेवा नहीं करेंगे, लेकिन राजा रानी होते हुए भी अपना हाथों से सेवा कर रहे हैं। जब उसे विभांड ऋषि ने देखा उसको बड़ा आश्चर्य लगा, बोले भैया इनके अंदर में इतने भावना कैसे आई, तब उन्होंने पूछा, जब पूछा उन्होंने बोले देखो चूंकि आप संत हो, संतों के सामने कभी कपटता नहीं करनी चाहिए, और अपना जो भजन का बात है ना जहाँ तहाँ भी नहीं बोलनी चाहिए, जैसे कोई बढ़िया स्वप्न देखा ठाकुर जी कोई अनुभूति हुई सबको मत कहा करो, क्योंकि कोई बोला अरे ये सब बेकार चीज है स्वप्न, लेकिन किसी संतों को बोलोगे तो तुमको उत्साह देगा, नहीं बहुत अच्छी बात है ठाकुर जी स्वप्न में देखे हैं, ऐसे ही ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर की सुंदर सुंदर लीला देखने को मिलेगा, आपको भावना को बढ़ाएंगे, लेकिन साधारण व्यक्ति को बोलोगे तो तुम्हारा भावना को खत्म कर देंगे, इसलिए कहते अपना भजन कथा ना कही वे जता तथा, अपना भजन की बात जहां तहां नहीं बोलनी चाहिए। वो संत थे, बोले मैं जीवन में पहली बार आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप संत हो आप भावना समझोगे, बोले आपकी ऐसे कैसे भक्ति में रुचि कैसे हुई, बोले पूर्व जन्म में मेरा नाम था मालती, आई जो पत्नी इसका नाम थी कालिका, मालती मालती, इसलिए ये है इसका नाम थी काली, इसने तो अपना पति को ही हत्या कर दी इसलिए उसको घर से निकाल दिए, मैं भी बड़ा दुष्ट था, हर तरह का गंदा काम, चोरी गुंडागिर्दी मांस खाना शराब पीना सारे मैंने सारे अपकर्म किया, इसलिए मेरे परिवार मेरे को भी घर से निकाल दिए, दोनों जंगले में घूमते घूमते अकेले समय नहीं बीत रहा था, दोनों जब मिले दोनों रहने लग गए, लेकिन वो जो था वशिष्ठ आश्रम के पास में था हैं, एक दिन हमने देखा, हम लोग तो पहले जानवर को मार करके भोजन करते थे, लेकिन जब दोनों वृद्ध हो गए लेकिन हमसे और आहार संग्रह नहीं हो रहा है, बड़े कष्ट से अपना जीवन बिता रहे थे, एक दिन देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित होते हुए, हमने देखा यहाँ पर आज इतना लोग क्यों एकत्रित हुए, जब वहां पर गए पता चला ये राम नवमी है, यहाँ पर 9 दिन तक राम कथा होगी, जो लोग कथा सुनने के लिए आएंगे कथा के बाद में उनके लिए फलाहार की व्यवस्था, हमने देखा बहुत अच्छी बात है, अभी 9 दिन तक तो खाने पीने के लिए कोई चिंता नहीं, आओ कथा में बैठो, कथा के बाद में ठाकुर की प्रसाद मिलेगा, केवल प्रसाद के लोभ से हम जाते थे, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो गई, जब जमदूत हमें पकड़ करके ले गए, चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो हिसाब किताब खोलो, जब से चित्रगुप्त ने कहा इन्हें तो बहुत पाप किया है, लेकिन थोड़ी सी पुण्य, क्या पुण्य है, राम नवमी में 9 दिन तक प्रभु की कथा सुनी और उसको बाद में ठाकुर जी का प्रसाद पाई, कहते इतना सुनते ही जब महाराज ने बोला इसका सारे पाप को खत्म कर दो, सारे पाप उसको काट दो, और काट करके हम दोनों को कहाँ पर भेजे, हम दोनों को ब्रह्मलोक में
सौ साल के लिए ब्रह्मलोक में भेज दिए, वहां पर सारे ऐश्वर्य को खूब भोग किया। उसके बाद में हमें फिर रमा वैकुंठ में हमें भेजे, वहां पर भी हमने सारे सुख भोग किया। उसको बाद में 100 साल के लिए स्वर्ग लोक में इंद्राणी बनकर के रहे, वहां के सारे सुख ऐश्वर्य भोग किए। उसको बाद में 100 साल के लिए अभी हम भारत में ये पृथ्वी में आए और आपका हमारे ठाड़ बाड़ तो देख रहे हो। अगर हमने अनजान में भगवान की इतने भक्ति कथा सुन करके ठाकुर जी की प्रसाद पा करके अगर हमें इतना मिल सकता है, फिर हम अगर प्रीति से भक्ति से ठाकुर का सेवा करें, ठाकुर का नाम ले, ठाकुर जी के भजन करें, ठाकुर हमें क्या नहीं देंगे। इसलिए हम दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, 24 घंटा समय को बर्बाद नहीं करके उनका नाम कीर्तन भजन में हम लगे हुए। ये कहानी को याद कर लेना, ठीक है। इसलिए कहते जो भजन करते करते अगर बीच में अपक्व अवस्था में, मतलब पक्के नहीं पूरा नहीं हुआ, अगर बीच से गिर भी गई तुम्हारी, कहते तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। अगली जीवन जहां से खत्म किया ना, फिर अगली जीवन वहीं से तुम्हारी शुरू होगी। लेकिन कर्म ज्ञान योग में ये चीज नहीं है, वो चीज में नहीं है। वह मर गए खत्म, पूरा खत्म तुम्हारी है, बल्कि उसको पाप स्वरूप में आपको कर्म का उल्टा पुलटा कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में कभी भगवान, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन, ठाकुर जी केवल भाव की भूखे है। ठाकुर जी केवल भाव ही, ठाकुर जी भाव को ग्रहण करते हैं। तब उन्होंने ये बात कह करके फिर श्री नारद जी व्यास देव को अपना चरित्र कहते हैं, क्योंकि जो गुरु है शिष्यों को क्या बताता है, देखो मैं स्वयं भक्ति में कैसे आया और भक्ति करते 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 मैंने कैसे भक्ति में धीरे 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 भक्ति में हम कैसे बढ़े। गुरुदेव अपना अनुभूति का बात अपना शिष्यों को सुनाते हैं, इसी तरह श्री नारद जी अपना अनुभूति का बात किसको सुना रहे हैं, अपना शिष्य श्री व्यास देव को सुनाते हैं। इस श्लोक को लिख लो, कहते अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास कस्याश्चन भेदवादिनम। इसका पहला कल अक्षर लिख लो, अहम पुरातीत, केवल इसका पहला इतना लिख लो, उसके बाद में पूरा श्लोक को लिख देना। इसलिए वो अपना निज वृत्तांत को बताते हुए वर्णना कर रहे हैं जीवन में हमें कैसे साधु संग मिला और मैंने कैसे कि वेदवादी हैं जो ऋषि लोग थे उनका जो सेवा करने वाली मेरी माता थी, उनकी सेवा करती थी, इसलिए एक दासी पुत्र रूप में मेरी जन्म हुई, जन्म है दासी पुत्र रूप में मेरा जन्म हुआ है। इसलिए जब दासी पुत्र रूप में जन्म हुए, कहते एक समय चातुर्मास का समय था और चातुर्मास में साधु लोग क्या करते, ज्यादा इधर घूमते नहीं, चातुर्मास में ज्यादा बारिश होती है, साधु संत लोग एक जगह, जैसे हमारे अभी चातुर्मास अभी हम बिता ना, अभी कार्तिक में चातुर्मास हमारे विश्राम हो गई, इसलिए चातुर्मास में एक जगह पर रहते हैं, बारिश होती है और अपना नियमों को पालन करते हुए, क्योंकि इधर उधर घूमने पर कभी कभी अपना नियम टूट जाती है, लेकिन एक जगह पर रहो तो अपना नियम टिकी रहती है। इसलिए ऋषि लोग चातुर्मास महीना में आए, आकर के अपना नियम को, जैसे हम 4 महीना तक घिया परबल बैगन बटबटी सीम बीम हैं तो ये सब चीज़ को जैसे हमने खाए नहीं, उसी तरह साधु लोग क्या करते हैं, कहते ये सब चीज़ नहीं क्यों नहीं खाते हैं, कहते जितने बढ़िया से बढ़िया चीज़ अब खाओगे बढ़िया पैसा भी लगेगा, हैं बढ़िया पैसा लगेगा। इसलिए साधु लोग क्या करते हैं, किसी तरह से अपना प्रसाद पा करके समय उस तरफ में ज़्यादा समय को नहीं दे करके क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना हरिनाम भजन भक्ति अपना नाम की संख्या को बढ़ाना है। इसलिए नित्य नियम करके रोज स्तुति स्तव करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। जब वो संत लोग आने लग गए, बस वहाँ पर तो रोसी बनना शुरू हो गया, कढ़ाई चढ़ना शुरू हो गया और बड़े सुंदर सुंदर रोसी बनना शुरू हो गया। संत लोग आए, मेरी माँ तो गरीब घर में दासी पुत्र, जो उन्होंने देखा मेरी माता ने, अगर यहाँ पर मैं संतों की मैं सेवा करूँ हमें भी भोजन मिल जाएगी, अरे मेरे जो छोटा बच्चा है हैं श्री नारद जी इसको भी खाना मिल जाएगा, इसी लोभ से मेरे मैया ने संतों की सेवा की। देखो जो पहला गुरु कौन है, पिता माता, सबसे पहले किसकी संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ता है, माँ।
माँ के संस्कार, पिता का संस्कार बाद में पड़ती है, माँ के संस्कार पहले ज्यादा पड़ती है बच्चों के ऊपर में। माँ जो करेगी बच्चे तो वही करेंगे। अभी मैया मेरी क्या कर रही हैं, मैया अभी संतों की सेवा कर रही हैं मैया, फिर बच्चा क्या करेगा, वो भी संत सेवा में, बोले मैं भी संत सेवा में लग गया। लेकिन जब संत सेवा में लग गया सचमुच से, वो जो संत है ना वो संत ही थे, सचमुच से साधु थे। इसलिए साधु के अंदर में विशेष करके उनके अंदर में 9 गुण हमने देखा, क्या है बोले ख्यांतिर अभ्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान सुन्नता आशाबंध समुत्कंठा नाम गान सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बसस स्थले। है ये भाव की जो अंकुर का है, भाव का जो अंकुर का, ये सब लक्षण है सचमुच से। वो जो साधु थे ना ख्यांतिर, ख्यांतिर मतलब होता है जितने बड़े दुख का विषय क्यों नहीं हो, जो भक्ति करने वाले वो दुख में कभी उनका चित्त कभी खोभी तो नहीं होता है, हर समय भगवान की कितने बड़ी विपत्ति क्यों नहीं आ जाए उनका हृदय स्थिर रहता है, हर समय भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जितने दुख का विषय आने पर भी भगवान की भक्ति छोड़ते नहीं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। अभ्यर्थ काल तम, समय को कभी भी उल्टा पुल्टा चीज में समय बैठ गए, उसका बेटी ऐसे की, उसकी बहू ऐसे की, उसमें पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बैठ जाए, हाँ दुनियादार की जो बात है बैठ करके, कि कभी ऐसे बात नहीं करेगी, समय मिलेगा तो ठाकुर कथा कीर्तन भजन में लगेगी। उल्टा पुल्टा स्मार्टफोन लेकर के उल्टा पुल्टा चीज देखने लग गए, गंदी गंदी चीज नहीं, कभी समय को कभी बर्बाद नहीं करते हैं। अब विरक्ति मतलब भक्ति की जो प्रतिकूल वस्तु में उनका विरक्ति, जिसमें प्रभु की कथा भजन नहीं, अगर कोई बेकार का बात करे ना उनका नायक क्यों बेकार का बात कर रहे हो, अरे समय हो तो भगवान का नाम जप करो, भगवान की कथा करो, क्यों सो उल्टा पुल्टा इधर उधर की बात क्यों करते हो। अब विरक्ति मान शून्यता, मान शून्यता मतलब कभी भी हमें सब बड़ाई करे, हमारी जय जयकार कभी नहीं, सबको सम्मान देते हैं, खुद कभी सम्मान की भूखे नहीं बनते हैं, हैं? सम्मान सबको सम्मान दे, स्वयं सम्मान की भूखे नहीं बनते हैं। इसलिए अब मान आशाबंध, आशाबंध मतलब ठाकुर जी हमें जरूर मिलेंगे, इनके हृदय में ये आशा भरी रहती, नहीं एक दिन ठाकुर हमें जरूर दर्शन देंगे। समुत्कंठा हर समय भगवान की भजन भक्ति में उसकी उत्कंठा बनी रहती है। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम कीर्तन में हर समय उनकी रुचि रहती है। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की कथा में उनकी बड़ी आसक्ति, कब भगवान की कथा सुनेंगे। प्रीति तद बसस स्थले, जहाँ भगवान की धाम हो, धाम में जाने के लिए उनकी बड़ी इच्छा होता है, कब नवद्वीप धाम जाए, वृंदावन धाम जाए, ठाकुर जी का कब हम दर्शन करें, हैं आसक्ति तद तद गुणात् प्रीति तद बसस स्थले। कहते ये सब लक्षण है ना, वो संतों के अंदर में ये सारे लक्षण दिख रहा था। और देखो जैसे संगत होगा ना, अब देखना आपके ऊपर रंग भी वैसे ही आपके ऊपर ये रंग चढ़ेगा। कहते वो संत थे, चूंकि जब उनको साथ में रहे, उनकी जो रहनी सहनी है, उनका जो रहनी सहनी, धीरे धीरे मेरे ऊपर में भी धीरे धीरे उनका रंग भी हमारे ऊपर चढ़ने लगे। हाँ देखो आप लोग जाना है ना, आप लोग जा सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग तो और 10-15 मिनट हम कथा सुनेंगे, ठीक है। आप लोग अपना घर का काम काम के लिए आप जा सकते हो, और जिनका इच्छा बैठ सकते हो, जो जाना आप भी जा सकते हो। इसलिए क्या धीरे 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 उनका जो रंग है हमारे ऊपर में, धीरे धीरे उनका रंग भी चढ़ने लग गया। धीरे धीरे जब चढ़ने लग गया उनकी रंग, अभी विशेष करके है उस समय छोटा बालक था, लेकिन बालक होने पर भी एक उदाहरण दिया, जैसे बारिशी होती है, बारिशी तो होती है लेकिन बारिशी रुकती है कहाँ पर, जैसे पहाड़ का चोटी पर तो बारिश होती है लेकिन बारिश वहाँ नहीं रुकती है, जहाँ मेड़ हो ना है बांध हो वहीं पर जाकर के पानी रुकती वहीं पर है। कहते उसी तरह भगवान का कृपा तो बरस रही है, संतों की कृपा बरस रही है, लेकिन अभी प्रश्न है फिर हमारे अंदर में क्यों नहीं रुकती है, कारण है हमारे अंदर में कोई बांध नहीं, कोई मेड़ नहीं, इसलिए नहीं रुकती हैं।
इसलिए नारद जी कहते हैं विशेष करके संतलोक समदर्शी, संतलोक समदर्शी समलोक, सबको बराबर रूप में देखते हैं संतलोक, लेकिन विशेष करके मेरे अंदर में उनने विशेष करके दो लक्षणों को देखे, देख करके जो मेरे ऊपर है उनको कृपा हुई। बोले पहला लक्षण किया, मैं तो छोटा बच्चा था, लेकिन जब वहाँ पर संत लोग बैठ कर कीर्तन करते थे, जब कथा करते थे, मैं साधारण बालक जैसे क्या करते, 5 साल की उम्र के बच्चे वो एक जगह पर बैठते नहीं, भागते इधर उधर खेलते कूदते हैं, लेकिन मैं खेलता कूदता नहीं, मैं वहाँ बैठ करके संत को साथ में बैठ करके मैं भी कथा सुनता था, मैं भी ताली बजाते हुए कीर्तन करता था, ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा बोलना भी गड़बड़ी है, हाँ ज़्यादा बोलो, लेकिन अगर भगवान की कथा बोलो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़्यादा बोल करके उल्टा पुल्टा इधर उधर की बात बोलो गड़बड़ी है, और ज़्यादा चंचलता भी अच्छी चीज़ नहीं, इसलिए मेरे ज़्यादा बोलने वाले नहीं था, ज़्यादा चंचलता नहीं था, और जो तीसरी बात मेरे अंदर में जो थी सेवावृत्ति थी, छोटा बच्चा था इसलिए छोटा, बोले बच्चों बच्चा ले आओ तो ठाकुर का चंदन घिसेंगे, मैं चंदन घिस देता था, बोले फूल तोड़ कर ले आओ, फूल तोड़ कर ले आता था, हाँ बोले ये जगह को साफ कर दो, ये जगह को मैं साफ कर देता था, हैं इसलिए बोले कपड़े को साफ कर दो, कपड़े साफ कर देता था, ये सब सेवावृत्ति और ये सब अचंचलता देख करके यद्यपि संत लोग समदर्शी है, लेकिन मेरी ऊपर उनका विशेष कृपा रही, विशेष कृपा हमारे ऊपर उनकी रही, जब कृपा रही हमने एक दिन हमने कथा सुनी थी, क्या कथा सुनी थी, वो कह रहे थे भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय एक है, बोले क्या है, क्या सरल उपाय, बोले 3 चीज है, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष 3 ऐ साधन रे बल, जो 3 चीज है जल्दी से जल्दी आपको भक्ति देने वाले, क्या, एक भक्तों का चरणामृत, दूसरा भक्तों का अधरा प्रसाद, और तीसरा भक्तों का चरण धूलि, कहते ये 3 चीज जितने जल्दी भक्ति को देने वाली है और कोई चीज नहीं इतना जल्दी जो तुम्हें भक्ति दे सकता है, हैं, इसलिए हमने सुना था। एक दिन क्या हुआ, भगवत इच्छा से उन लोगों ने प्रसाद तपाए, प्रसाद पाकर पतल में उन्होंने कुछ प्रसाद छोड़ दिए थे, हमने सुन रखा था संतो प्रसाद बड़ा ताकत है, हमने उनसे आदेश लिया, बोले आपका अधरामृत हम ले सकते हैं, लेकिन संत लोग तो हमारे ऊपर प्रसन्न थे, क्यों, सेवावृत्ति हमारे अंदर में था, चंचलता थी नहीं, मेरे ऊपर में इनका कृपा ही था, लेकिन हमने जो बोले तो उन्होंने बोले प्रसाद ले सकते हो। तब यहाँ पर श्री नारद जी कह रहे हैं व्यास देव को, बोले व्यास देव तेरे को मैं साची साची बात बता रहा हूँ, तुमको मैं सही सही बात बता रहा हूँ, मैंने देख लिया संतों की प्रसाद में कितने शक्ति है, हैं, इसलिए ये श्लोक को तुम लोग लिख लो, हैं, कौन सा श्लोक है, बोले उचिष्ट लेपान मोदित द्विजयी, ये श्लोक लिख लो, उचिष्ट लेपान अनुमोदित द्विजयी, इस श्लोक को याद कर लेना, बोले जी उचिष्ट लेपान मोदित द्विजयी सक्रीत भुंजे तद पास किलिसई एवं प्रवितस्य विशोध चेतस स्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। कहते जब मैंने उनकी केवल प्रसाद ग्रहण किया, बोले हमें क्या मिला, बोले रुचि प्रजायते, हमें भगवान के चरण में हमारी रुचि प्रकट हो गया। बोले रुचि कौन सा स्टेज है, बोले आदो श्रद्धा तत्व साधु संग तत्व भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद में निष्ठा रुचि, हैं, कहते ये 6वां स्टेज भक्ति की, केवल संतों की प्रसाद से ही विशुद्ध चेतस, मेरे जो हृदय है ना ये शुद्ध हो गया, मेरे हृदय पवित्र हो गई, केवल इनकी प्रसाद को लेकर के, हैं, ये संतों की प्रसाद में इतने शक्ति, संतों की प्रसाद में विशुद्ध चेतस। अभी चातुर्मास खत्म हो गया, अभी संत लोग जाने के लिए तैयारी हुए, जब तैयारी हुए मैं भी कहा मैं भी संतों के साथ में मैं भी चलूँगा, क्योंकि संतों के साथ में बड़ा आनंद है, कहते वैष्णव संगत मान आनंदित अनुखन, संतों के साथ में हर समय आनंद, क्यों, आनंद का कीर्तन करते हैं, आनंद की कथा बोलते हैं, आनंद की प्रसाद पाते हैं, हर समय भगवान की
भजन में रहते हैं, आनंद संतों के साथ में, हर समय आनंद संतों के साथ में, इसलिए इनका जीवन बड़ा पवित्र जीवन है। लेकिन मैं माँ की अकेला बेटा था, इसलिए मैया मेरे को जाने नहीं दी हैं हर समय। ए फोन बंद करो। इसलिए मैया ने मेरे को जाने नहीं दी। क्यों? कहते अकेला मैं बेटा था माता पिता की, अकेला था मैया की, इसलिए मैया कभी कभी बात करती थी, बेटा बड़ा होएगा, बेटा की शादी होएगी, घर में बहू आएगी, नुपुर बांध करके छम 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 करके घर में चलेगी। ये सब मैया जब जब माताओं के बीच में बैठता था, माताएं यही तो बात करती है ना, मैया ये सब बात करती थी। लेकिन ये सब बात सुन करके मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, बोले मैया सब क्या उल्टा पुल्टा क्या बात करती हैं मैया हैं। इसलिए जब संत लोग जाने के लिए तैयार, बोले मैं भी जाऊँगा, लेकिन मैया ने मेरे को अकेला मेरे संतान था जाने मुझको नहीं दी। लेकिन संत लोग दया करके जाते समय मेरे को एक मंत्र दे करके गए। कहते मंत्र कौन सा मंत्र बताओ? बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये मंत्र है हैं? जैसे ध्रुव जी को कौन सा मंत्र मिला था? ओम नमः भगवते वासुदेवाय, उनको ये मंत्र मिला था। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर शरणाय च, ये मंत्र है, ये श्लोक को लिख लेना। इसलिए उन्होंने ये मंत्र मेरे को दे करके जाते समय ये मंत्र दे कर गए। लेकिन कहते जा पर कृपा हरि, हाँ जब भगवान की किसको पर में कृपा होती है ना, कहते मंत्र को तो मैं जब करता था, लेकिन एक दिन मेरी मैया गोदोहन करने के लिए गई तो किसी काले सर्प को ऊपर प्यार पड़ते ही काला सर्प ने मैया को दांस डाली। जब दंशन कर दी, किसी ने आकर के बोला नारद जी तेरे मैया को सांप ने काट दी, मैं तो बड़ा खुश हो गया। इसको सुन करके लगूंगा, इसलिए कहते खुश भी हुआ दुखी भी हुआ, दुखी भी हुआ माँ को सांप ने काट दी, दूसरे तरफ में सुख भी हुआ। बोले क्यों? बोले मैया मेरे को भजन में बाधा देती थी, जाने नहीं देती थी, अभी तो मैया चली गई, अभी मेरे को कोई चिंता नहीं, अभी तो मैं भजन करने के लिए जा सकता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो भागवत का श्लोक है, बोले जस्य अहम अनुग्रहामि हरि से तद धनव सने, मैं जिसको पर मैं अनुग्रह करता हूँ मैं उसका आसक्ति की वस्तु को मैं काट देता हूँ, खत्म कर देता हूँ आसक्ति की वस्तु को, क्योंकि आसक्ति की वस्तु रहेगा तो हैं फिर मेरा भजन नहीं करेगा। जैसे स्वामी महाराज जब उन्होंने भजन करने के लिए चाहा, बहुत कोशिश की बिजनेस के लिए, लेकिन कोई भी बिजनेस में हाथ देना सब डूब जाती थी, सब डूब जाता था, दुकान किया दुकान डूब गया, कोई काम किया डूब गया, लास्ट में अपना हाथ में कूट कूट करके उन्होंने आयुर्वेदिक दवा उन्होंने बनाया हिमदस्ता में कूट कूट करके, मतलब इतना कष्ट उन्होंने किया, लेकिन किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने बस विदेश में ऐसे गए हैं, ऐसे विदेश में गए प्रचार किया, सारा पृथ्वी में टहलका मचा दिए, सारा पृथ्वी लोगों को उन्होंने भक्त बना दी। वो खुद कहते हैं इसे ठाकुर जी मेरे को संसार की कोई भी काम में मेरे को टिकने नहीं दिया, क्योंकि ठाकुर मेरे द्वारा बहुत बड़ा काम करवाना चाहते थे, हरि भक्ति को प्रचार करना चाहते थे, इसलिए कोई काम मेरी नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने सारा दुनिया में हरि भक्ति को, अभी सारा दुनिया में उनकी जहाँ जाओ पृथ्वी में कहीं भी जाओ उनकी नाम जय जयकार हो रहा है। इसलिए कहते मैया जब मैं तो बात सीधा तो चल पड़ा, मैंने भजन करने के लिए सीधा चल पड़ा। इसलिए कोई कोई वैष्णव लोग कोई कहते हैं भगवान परीक्षा भी लेते हैं, बोले क्या परीक्षा लिया? बोले जब मैं भजन करने के लिए जा रहा था, दो सेठ सेठानी अथा पैसा है, लेकिन उनको घर में कोई बालक नहीं है, उन्होंने देखा छोटा इतना नन्ना मुन्ना इतना छोटा बालक देखा अकेला, तो उन्होंने बोले बेटा एक बार हमें अपना पिता माता बोल दो, हरे सारे संपत्ति का मालिक तू बन जाना। बोले मैं तो गोद में केवल ठाकुर का गोद में बैठूंगा और किसी की गोद में नहीं बैठूंगा, उसकी मोह भी मैंने त्याग दी। और थोड़ी दूर गया तो किस राज्य में राजा नहीं था, हाथी सोने की कलश लेकर घूम रहा था, जिसके सर पर पानी डालेगा वही राजा बनेगा, उसने मेरे सर पर डाल दिया, सब लोग तो मेरे को पकड़ लिया, हमारे देश का राजा मिल गया। बोले उसका मोह भी मैंने परित्याग की, घोर जंगल में प्रवेश किया तो सोने की खान हमने देखा,
सोने की खान उसकी मोह भी मैंने परित्याग की है सारे मोह। इसका मतलब है अब जब ठाकुर जी को पाने के लिए जाओ ना, बड़े बड़े लोभ मोह भी बीच बीच में आती हैं, लेकिन ये सब चीज को हमें त्याग दे करके सीधा ठाकुर को पास तक हमें चलनी चाहिए। और लास्ट में जब घोर जंगल में प्रवेश किया, सुंदर सरोवर जहाँ पर कमल फूल खिला हुआ, जिसकी खुशबू से पानी बड़े सुगंधी, और मैंने पेट भर करके पानी पी, और उस संतों ने जो मंत्र दिया था मैंने वहीं पर बैठ करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय हैं धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर शरणाय च, मैंने ये मंत्र को जप किया। ये मंत्र जप करते 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 मेरा मन, जब सारे विषय से मेरा मन हट गया, हट करके मेरा मन एकाग्र रूप में केवल मंत्र को चिंतन करने लग गया, इतने में एक झलक मुझे ठाकुर का दर्शन हुआ। इतने सुंदर ठाकुर जी थे, ठाकुर जी जब एक झलक दर्शन किया, लेकिन एक झलक दर्शन देकर ठाकुर जी फिर उन्होंने अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए इतने में मैं तो रोना प्रारंभ कर दिया, बोले ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहा तो नहीं देते, लेकिन एक झलक दर्शन देकर क्यों अंतर ध्यान हो गए। इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे आप हैं, जैसे एकदम जेठ की महीना हो, एकदम चिलचिलाई हुआ धूप है, बड़ी दूर से आप चल चल करके आ रहे हो, आपका छाती फट रहा है प्यास के मारे, लेकिन आते ही किसी ने एक गिलास सुंदर जूस हैं अनानास रस का जूस, नहीं तो आप पहले कोई जूस लाए आपको एक घूट पिला करके मुंह से निकाल लेगा, फिर क्या होगा बताओ। बोले भैया पिलाना नहीं तो मेरे को पिलाते ही नहीं, लेकिन एक घूट पिला करके तुमने निकाल क्यों दिया। कहते उसी तरह मेरा मन में जो छटपट छटपटान आरंभ हुई मेरे हृदय में है, बोले प्रभु दर्शन नहीं देते तो नहीं देते, लेकिन दर्शन देख रहे क्यों अंतर ध्यान हो गई। जब मैंने व्याकुल हो गया फिर आकाशवाणी हुई, देखो ये श्लोक को लिख लेना, अभिपक्व कसाया नाम दुर्दश अहम कुजोगी नाम। क्या देखो केवल तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने दर्शन दिया है, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर में कुछ कमी है, कुछ है अनर्थ का, कुछ गंध, कुछ कसाय है तुम्हारे अंदर में। जैसे लकड़ी है, अगर गीली लकड़ी हो ना उसको जलाओ क्या होगा, धुआं निकलेगा, उससे जलेगा नहीं ठीक से। अगर सूखी लकड़ी हो क्या होगा, एकदम बढ़िया से वो जलेगा। क्या ठीक उसी तरह अभी तुम्हारे अंदर में कुछ अनर्थ का कुछ गंध है, इसलिए केवल तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने एक बार दर्शन दिया, फिर इसी जीवन में तुम्हारी और दर्शन नहीं होगा, फिर तुमको अगले जीवन के लिए तुम्हें अपेक्षा करना पड़ेगा। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं मैंने फिर भ्रमण करते रहा, करते 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 समय आने पर मेरा जो शरीर जैसे आकाश में जैसे बिजली चमकती है, ऐसे ही मेरे जो प्राकृत जो शरीर था वो छूट गई और मेरे को अपराकृत शरीर हमें प्राप्त हुआ। फिर अगले जीवन में ब्रह्मा का मानस पुत्र रूप में श्री नारद रूप में मैंने जन्म ग्रहण किया। जन्म ग्रहण करके गिरिराज तलेट में हम लोग गए थे ना, गिरिराज में वहाँ पर श्री नारद कुंड, वहीं पर मैंने ये गिरिराज का आश्रय लेते हुए मैंने वहीं पर मैंने भजन किया। भजन करते 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 बोले देव दताम इमम बीणाम, इसलिए हमें बोले दिव्यु क्रीड़ायाम है, ये श्लोकों को लिख लो, देव दतांग इमम बीणाम इस श्लोकों को लिख लो। हमने मेरे को बोले दिव्यु क्रीड़ायाम, मेरे को जो बीणा है कहते रासलीला में हमें श्री जुगल किशोर का दर्शन हुआ, रासलीला में राधा कृष्ण के दर्शन मिली, दर्शन जब हमें प्राप्त हुई इतने में राधा रानी कृपा करके अपना प्रसाद बीणा मुझे प्रदान करी। और वो बीणा को मैं जब जब बीणा में प्रभु का नाम कर लेता हूँ, ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। हाँ, इसलिए ये टीकाकार कहते दिव्यु क्रीड़ायाम, जो देव दत्तम जो दिव्यु क्रीड़ायाम रास क्रीड़ायाम, इसलिए कहते तब तक तो भगवान आकर के मेरे को दर्शन देते हैं और मैं क्या करता हूँ, जहाँ चाहता हूँ जिधर चाहता हूँ बस, अगर वैकुंठ जाना चाहता हूँ ये मन जितने तेजी से गति करता है वहाँ वैकुंठ पहुँच जाता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ ये मन जितने तेजी से गति करता है स्मरण करते हुए वहाँ पहुँच जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं पर पहुँच करके
भगवान की लीला कथाओं को गान करता हूँ और हर समय प्रभु का भजन में मस्त रहता हूँ। इसलिए जगत गुरु श्री नारद जी है। हाँ, यहाँ पर कहते हैं कि इतने जल्दी हमें जो भक्ति मिली क्यों मिली, इसका क्या कारण है, इतने जल्दी हमें जो भक्ति में इतने जल्दी में बढ़ गया इसका कारण क्या। बोले कारण है केवल संतों का संग, संत दर्शन, संत सेवा, केवल यही कारण बताए इसका। नारद जी कहते हैं मतलब भक्तों को सेवा से, भक्त संगों से जितने जल्दी भक्ति बढ़ेगी और कोई उपाय नहीं, इतना जल्दी भगवत भक्ति को कोई प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं, इसलिए सबसे ये श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए नारद जी बोले ये मेरी जीवन वृतांत है, अपना जीवन की कथा हमने सुनाई, इसलिए अगर तुम भी शांति पाना चाहते हो क्या करो, संत सेवा करो, संतों की संग करो और भगवान की जो अमल जस है, भगवान की पवित्र जो जस है वो जस को तुम गान करो, देखना मेरे जैसे भी तुम जीवन में एक दिन नारद का पद को ग्रहण करोगे। इसलिए नारद जी अपना जीवन चरित्र उन्होंने अपना शिष्य को उन्होंने ये बात सुनाई, ठीक है। बोले नारद जी बाबा की, हाँ गौर प्रेमानंदे हरि हरि, इसको इसको बंद कर दो। हाँ देखो इसमें